हमारी सारी वीडियो हाई क्वालिटी में देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एनिमल कॉलोनी चैनल को और साथ में बेल बटन को दबाना ना भूले। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको स्वागत करता हूँ एनिमल कॉलोनी के एक नया फ्रेश वीडियो में। मैं आज आपको इंडियन स्पिंच डॉग के बारे में बताऊंगा। ये इंडियन स्पिंच डॉग बहुत ही लवेबल क्यूट सा डॉग होता है। मैं आज आपको इस वीडियो में इस डॉग का हर एक डिटेल में बताऊंगा, जैसे कि फूड, इसका हैबिट, इसका वैक्सीनेशन, हर एक डिटेल, इसका ओरिजिन, सब कुछ। पहले हम आते हैं इसका ओरिजिन पे। इंडियन स्पिंच का ओरिजिन इंडिया नहीं है, इसका ओरिजिन जर्मन है, क्योंकि जब ब्रिटिश यहाँ आए थे तब जर्मन स्पिंच अपने साथ ले आए थे। उस जर्मन स्पिंच की ही ब्रीडिंग से ये इंडियन स्पिंच आए हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे इंडियन वेदर कंडीशन को अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर लिया है और इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से रहते भी है। नेक्स्ट इसका डॉग टाइप पे आते हैं। ये ब्रीड यूटिलिटी डॉग ग्रुप के ब्रीड में आते हैं और स्पिंच एक तरीके का डॉग ग्रुप है जिसमें बहुत सारे डॉग आते हैं, जैसे कि स्पिनिश पिच, जर्मन पिच, पोमेरेनियन, सैमोइड, एल्फाउन, ये सब आते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन पे। अगर आपको ये ब्रीड लेना है तो आप कैसे पहचानोगे? इस पिंच को पहचानने का 4-5 तरीका है जिसको देख के आप पिंच को आइडेंटिफाई कर सकोगे। तो पहला तरीका है, इसका ईयर ज्यादा लंबे और पॉइंटेड होते हैं। इसका ईयर कभी भी मुड़े हुए, झुके हुए नहीं रहते हैं। इसका ईयर हमेशा पॉइंटेड होते हैं और खड़ा रहते हैं। इसको पहचानने का दूसरा तरीका है इसका मजल। इसका मजल पॉइंटेड होते हैं और बाहर की तरफ निकला हुआ होते हैं। इसको पहचानने का तीसरा तरीका है इसका टेल। इसका टेल हमेशा कर्व होते हैं ऊपर की तरफ और इसके टेल में बहुत सारे बाल होते हैं। इसको पहचानने का चौथा तरीका है इसका कोट का कलर मेनली व्हाइट होते हैं, लेकिन ये ब्राउन और ब्लैक में भी आते हैं और बहुत रेयर आते हैं ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में। और इसका कोट के ऊपर जो बाल आते हैं बहुत लंबे बाल आते हैं, ये बाल ज्यादा मोटे और घने नहीं होते हैं। इसको पहचानने का आखिरी तरीका है इसका साइज। और ये ब्रीड स्मॉल टू मीडियम साइज में पाए जाते हैं। ये दो टाइप में पाए जाते हैं, एक है स्मॉल स्पिंच और एक है मीडियम स्पिंच। स्मॉल स्पिंच की एवरेज हाइट होता है 8-10 इंचेस और मीडियम स्पिंच की हाइट एवरेज होता है 15-20 के अंदर। इंडियन स्पिंच के एवरेज प्राइस होता है 3,000 से लेकर 8,000 के बीच में होता है। नेक्स्ट आते हैं इसके फूड चार्ट में। इसका फूड चार्ट बहुत ही सिंपल एंड ईजी है। इसका एज जब 0 से 20 डेज के अंदर है तो इसको मदर्स मिल्क दीजिए। अगर मदर्स मिल्क ना मिले तो इसको आप लैक्टोल, सेमोलेक और आरसी बेबी मिल्क पाउडर दे सकते हैं दिन में 4-5 टाइम्स 20-30 ml करके। और हाँ, काउ मिल्क या बाफेलो मिल्क मत दीजिए, इससे लूज मोशन हो सकती है। के बाद 20 डेज से 3 मंथ के बीच में आप पापी स्टार्टर फूड दे सकती है मिल्क रिप्लेसर के साथ में। अगर आप ये ना दे सके तो कोई बात नहीं है, आप होममेड फूड भी दे सकती है, जैसे कि सिंपल खिचड़ी, राइस, रोटी, ये सब आप दे सकते हैं। और इसके साथ थोड़ा बहुत चिकन भी ऐड कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही एक्टिव डॉग ब्रीड्स है, इसलिए इसको चिकन थोड़ा बहुत जरूरत है। इंडियन स्पिंच की एवरेज लाइफ स्पैन है 12-14 साल। इसके बारे में मैं और भी आपको जानकारी दे देता हूँ। ये ब्रीड स्मॉल टू मीडियम साइज में पाए जाते हैं। ये बहुत अच्छे फैमिली डॉग होते हैं और ये छोटे से लेकर बड़े सभी घर में आराम से रह भी सकते हैं और फैमिली के साथ खुद को आराम से एडजस्ट कर लेता है। इसका और भी एक खास बात है, ये दूसरे डॉगों की तरह बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, इसलिए इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है। और इस ब्रीड को ओनली KCI ने ही ऑफिशियली रजिस्टर्ड किया है। KCI यानी केनियल क्लब ऑफ इंडिया ने ही इसको ऑफिशियली रजिस्टर्ड किया है। इसके अलावा और कोई भी इंटरनेशनल क्लब इस ब्रीड को रजिस्टर्ड नहीं किया है। यह ब्रीड 80s और 90s के समय में बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पे बाहर से डॉग इंपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, इसलिए उस टाइम पे ये डॉग बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था। दोस्तों, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन वाली बात है। कन्फ्यूजन ये है कि कई बार लोगों ने पोमेरियन के साथ इस डॉग को भी एक मान लेते हैं, क्योंकि काफी हद तक इन दोनों डॉग को मिलता जुलता है, लेकिन आप ठीक से देखोगे तो ये आप पहचान पाओगे ये दोनों डॉग ब्रीड्स एक नहीं है, अलग अलग डॉग ब्रीड्स है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे। नेक्स्ट आते हैं इसके वैक्सीनेशन पे। पप्पी का वैक्सीनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक पप्पी खरीदे हैं तो उसका वैक्सीनेशन आपको जरूर कराना होगा। आप जहाँ से पप्पी खरीदेंगे वहाँ से पप्पी का डेट ऑफ बर्थ जरूर पता कर लेना, क्योंकि उसी डेट ऑफ बर्थ को नजर रखते हुए ये वैक्सीनेशन का प्रोसीड्योर स्टार्ट होगा। नॉर्मल केसेस में वैक्सीनेशन स्टार्ट होते हैं 6 वीक्स के बाद, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर पप्पी को मदर्स मिल्क ना मिले तो उसको 28 डेज के बाद
एक DHP वाला वैक्सीनेशन जरूर देना। 6 वीक्स यानी 42 डेज के बाद आप DHPPI वाला वैक्सीनेशन जरूर देना। इस डेज से 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं करना। इस दिन से अगला 20 डेज के बाद दूसरा वाला वैक्सीनेशन आपको देना पड़ेगा। ये वाला वैक्सीनेशन पहले वाला वैक्सीनेशन का बूस्टर होता है। अगर मान लिया जाए आप 45 डेज में पहला वाला वैक्सीनेशन दिया है, तो नेक्स्ट आपको 65 डेज में दूसरा वाला वैक्सीनेशन देना पड़ेगा। ठीक उसी तरह आपको फिर 20 डेज के बाद आपको एंटी रेबीज वाला तीसरे वाला वैक्सीनेशन आपको जरूर देना होगा। उससे भी 20 डेज के बाद फिर DHPP वाला वैक्सीनेशन आपको देना पड़ेगा। उससे 20 डेज के बाद आपको फिर DHPP वाला का बूस्टर वर्सन आपको देना पड़ेगा। इससे 20 डेज के बाद आपको फिर से एंटी रेबीज वाला का बूस्टर वर्सन आपको देना पड़ेगा। यानी आपको 150 डेज के अंदर 6 वैक्सीनेशन को देना पड़ेगा। इसका एक जिस्ट किया जाए तो ऐसे होगा, फर्स्ट 45 डेज में आपको DHPP वाला वैक्सीनेशन, नेक्स्ट आपको 65 डेज में DHPP वाला का बूस्टर वर्सन, नेक्स्ट आपको 85 डेज में एंटी रेबीज वाला वैक्सीनेशन देना पड़ेगा, नेक्स्ट 105 दिन में आपको देना पड़ेगा DHPP वाला का वैक्सीनेशन, फिर 125 डेज में आपको देना पड़ेगा DHPP वाला का बूस्टर वर्सन, नेक्स्ट आपको 145 डेज में देना पड़ेगा एंटी रेबीज वाला वैक्सीनेशन। ये 6 वैक्सीनेशन आपको 155 डेज के अंदर देना पड़ेगा। इससे आपका डॉग 1 साल तक सुरक्षित रहेंगे। अगले साल से आपको सिर्फ 2 टीका लगाना होगा, एक एंटी रेबीज वाला और एक DHPP वाला का बूस्टर वर्सन। ये आपको लगाना पड़ेगा लास्ट एंटी रेबीज का डेट से 1 साल बाद। DHPP वाला का भी सेम प्रोसीड्योर, उसका लास्ट डेट से 1 साल बाद। यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ कि DHPP वाला इंजेक्शन कभी नॉर्मल टेम्परेचर में मत रखिए, इसको हमेशा आइस बैग में या फ्रिज में रखिए, क्योंकि इसका टेम्परेचर अगर 8 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो ये कुछ काम नहीं करेगा, ये डेड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इसके प्राइस पे। इसका प्राइस स्टार्ट होता है 300 रुपीज से और आप ऊपर जब जाओगे, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको एनिमल वर्ल्ड के साथ जुड़ी है कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों आज हम चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।